हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीकॉम सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है और बड़ी खुशी है कि इस बार पिछले वर्षों की तरह जैसे रिजल्ट आप लोग लगातार देते रहे हैं, इस कोचिंग की गुडविल आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। इसमें टोटल मेहनत आपकी है, क्योंकि कोरोना में मैंने देखा कि बच्चों जो इधर पेपर लिखे हैं या जो इनको इधर जो बच्चे मानसिक रूप से एकदम ग्रसित हो गए थे, उनको लगता था कि हमारा रिजल्ट बड़ा ख़राब होगा, लेकिन आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर आया हुआ है। अपने कोचिंग के जो बच्चे टॉप किए हैं मैं उनका नाम बता रहा हूँ, और यही बच्चे ही ऑल ओवर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और सभी कॉलेजों में भी टॉप किए हैं। कोई कॉलेज बचा नहीं है। यास्मीन बानो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक है, 455 नंबर है, 455 लगभग 76% के करीब है। नीरस्ट यास्मीन बानो जो बच्ची पिछले साल टॉप करी थी, वही बच्ची फिर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तिरंगा फहरा रही है। फिर से उसने उसका फर्स्ट रैंक है, 455 मार्क्स है, यानी लगभग 76% है, जबकि पिछले बार सेकेंड ईयर का जो हाईएस्ट गया था वो 450 गया था। इस बार उसने 5 नंबर और बढ़ा दिया ब्याज के साथ। बड़ी खुशी है। शैलेश दुबे ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के फर्स्ट रैंकर हैं, 421 नंबर के साथ, 421। और आयुषी मिश्रा पिछले साल भी शायद इसका ही सेकंड रैंक था, इस बार भी इसका सेकंड रैंक है, 413 नंबर के साथ। रूपक साहू जो सीएमपी के फर्स्ट रैंकर हैं, रूपक साहू 410 नंबर इनका हुआ है और इनका फर्स्ट रैंक है सीएमपी में। मैं आपसे क्या कह रहा था, यूनिवर्सिटी में यास्मीन बानो टॉप करती हैं, एसपीएम और यूनिवर्सिटी दोनों कवर होता है उस, क्योंकि कॉलेज की स्टूडेंट है, लेकिन पिछले साल से इतिहास बदल दिया उसने। वो कॉलेज में भी टॉप करती रही, विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी का हाइएस्ट 437 है, लेकिन एसपीएम की वो लड़की 455 नंबर हाइएस्ट दे करके इतिहास बना रही लगातार। रूपक साहू तक हमने पढ़ दिया था, सीएमपी टॉपर 410 नंबर के साथ। हबीबा इन्होंने जेटी में टॉप करा है 414 नंबर के साथ, इनको आपको ध्यान रखना है। पलक श्रीवास्तव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इनका भी अच्छा रिजल्ट है, 427 नंबर। ये तो मैं आपको केवल टॉपरों की लिस्ट बता रहा हूँ जो 1-2 हैं, नंबर 1 नंबर 2 की रैंक में बता रहा हूँ। जो हम लोगों की मेहनत, हम लोगों की टीम ने जो मेहनत की है इन बच्चों के साथ, प्लस इन बच्चों का भी मेहनत है। केवल टीचर ये कहते कि नहीं हमने पढ़ा दिया था, ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ाने के बाद बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता उसके ऊपर होता है। तो इस रिजल्ट में दोनों लोगों का बड़ा सहयोग है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि लगभग 200 से 400 के बीच एक क्लास इंटोल जो बनता है स्टैट्स, लगभग 200 से 400 के बीच बच्चे जो ऐसे हैं जो फर्स्ट डिविजनर है, ये आपको ध्यान रखना है। इलाहाबाद में अपनी कोचिंग का ठीक ठाक रिजल्ट है, बगैर किसी प्रचार के, बगैर किसी एडवर्टीजमेंट के आप लोग हमारा इतना सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।